हेलो एवरीवन, मैं हूं कुलदीप पाटिल और स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल स्केच विद कुलदीप पे। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने एक रियलिस्टिक स्केच ड्रॉ किया था, ये वाला। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाके देखिए, आपको मिल जाएगी, या फिर इस आई बटन पे क्लिक करके देखिए, आपको वहां भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाली स्किन मैंने कैसे ड्रॉ की थी, इसकी डिटेल ट्यूटोरियल आपको मैं बताने वाला हूँ। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस दैट बेल बटन ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो अगर आपने मुझे अभी तक सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो उसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके वहाँ फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, ये स्केच ड्रॉ करने के लिए मैंने लोकल स्टोर से पेपर लिया था। इसका टेक्सचर मीडियम टेक्सचर है, ज्यादा रफ भी नहीं हो, ज्यादा स्मूथ भी नहीं है, मीडियम टेक्सचर का पेपर है। मैंने आइवरी का पेपर नहीं यूज किया है ये स्केच ड्रॉ करने के लिए। तो आपको भी एक मीडियम टेक्सचर का पेपर लेना है, कौन सा भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी स्टेशनरी में आपको मिल जाएगा इस टेक्सचर का पेपर। तो मैं अब नोज की आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ मैंने स्किन कैसे ड्रॉ की थी। तो पूरी आउटलाइन मैंने ड्रॉ कर ली है HB पेंसिल से। तो अब मैं पहले HB और 2B से शेड करूंगा, मीन्स पहले मैं HB का शेड दूंगा और उसके ऊपर 2B का शेड दूंगा, मीन्स मैं पहले HB का शेड दूंगा और उसके ऊपर 2B का शेड दूंगा। तो गाइस, अब जब 2B का शेड देंगे तो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स पे नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ आपको HB से ड्रॉ करना है वाटर ड्रॉपलेट्स पे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं वाटर ड्रॉपलेट्स के साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ। गाइस, अब मैंने 4B पेंसिल ली है, इससे मैं वाटर ड्रॉपलेट्स के आउटलाइन ड्रॉ करूंगा, फिर से डार्क करूंगा, ताकि हम जब 4B से इस पे शेड करेंगे तो वो फेंट ना हो जाए वाटर ड्रॉपलेट्स। तो अब हम फिर से इस 2B शेड पे 4B से शेड करेंगे। तो अब हम कॉटन बर्ड का यूज करके ये तीनों शेड्स ब्लेंड करेंगे। तो अब मैं 10B पेंसिल का यूज करके जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स है उसे डार्क करूंगा। तो अब मैं 6B पेंसिल का यूज करूंगा, 6B और 8B का कॉन्जिक्यूटिव लेयर दूंगा मैं इसी शेड पे। तो अब हम इन दोनों शेड को ब्लेंड करेंगे कॉटन बर्ड से फिर से। तो अब मैं नोज वाला पार्ट फिर से डार्क कर लेता हूँ। अब मैं इस पे 10B से शेड करूंगा, अगर हमारी फाइनल स्किन ड्रॉ हुई तो अच्छा, नहीं तो हम फिर से इसे 10B से शेड करेंगे, देखते हैं हम एक शेड से होता है या नहीं। तो मैं पहले 10B से शेड कर लेता हूँ, ऐसे आपको ऑब्जर्व करके ही ड्रॉ करनी होती है स्किन। तो अब हम ब्लेंड कर लेते हैं इसे भी। जैसे कि आप इस स्केच में देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा पार्ट है ये थोड़ा डार्क है, तो फिर से हम 10B का यूज करके ये जो पार्ट है डार्क करेंगे और ये वाला पार्ट भी ड्रॉ करेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत, मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लेंड कर लेते हैं हम। आपको थोड़ा ऊपर भी लेना है इसे, यहाँ पे जहां पे हमने डार्क लग रहा है वहां पे दोनों शेड को मिक्स करना है, डार्क और फेंट शेड को आपको मिक्स करना है, तभी वो रियलिस्टिक लगेगा। जैसे कि मैं आप देख पा रहे होंगे दोनों में मिक्स कर रहा हूँ शेड, तभी वो अच्छा लगता है। तो अब हम वाटर ड्रॉपलेट्स ड्रॉ कर लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ। हमें थोड़ा डार्क करना है आपको, जहां जहां डार्क है, ज्यादा डार्क, वहां पे 10B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ मैं।
तो ये जो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके अंदर वाला पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे आपको भी ऑब्जर्व करना है अंदर वाला पार्ट, ही यहाँ पे डार्क है तो आपको यहाँ पे डार्क करना है। 2B का ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ज़्यादा डार्क है, यहाँ पे फेंट है, पूरा वाइट नहीं करना है आपको। यहाँ पे भी 2B पेंसिल का यूज़ करूँगा मैं। तो मैं ब्लेंडिंग स्टंप का यूज़ कर रहा हूँ इसे ब्लेंड करने के लिए। तो थोड़ा बहुत मैं इरेजर का यूज़ करके थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ये जो हमारे अंदर वाले लाइन्स है इसके ऊपर से मैं इरेज करूँगा थोड़ा बहुत, ताकि वो थोड़ा रियलिस्टिक लगे। यहाँ पे भी तो जहाँ जहाँ ज़्यादा व्हाइट वाले जो पोर्शन, ज़्यादा व्हाइट वाले जो डॉट्स थे उसे ड्रॉ करने के लिए मैंने जेली रोल पेन का यूज़ किया था। जैसे कि हम अगर हम सपोज यहाँ पे कोई वाइट डॉट है तो मैं इसे ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद ये थोड़ा सूखने के बाद इसके ऊपर मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा ऊपर 2B पेंसिल से। आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इस पेन का, ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता इस पेन का यूज़ करने से। आपको इरेजर का यूज़ करके ही इरेज करना है, या फिर ड्रॉ करते समय थोड़ा बहुत पोर्शन ब्लैंक रखना है और ऐसे ही ड्रॉ करना है। जैसे मैं अब अपना पुराना वाला स्केच दिखा देता हूँ, दोनों में कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट सेम स्किन ड्रॉ हुई है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।